मिशन बंगाल के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार। ममता बनर्जी को घेरने की जबरदस्त तैयारी, करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक, उम्मीदवारों पर चर्चा। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर किया मंथन, आखिरी फैसला दिल्ली में। बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, 4 मार्च को पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। बैठक के बाद दिलीप घोष ने कहा, नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव, लेकिन अभी उनसे नहीं हुई बात। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी, पहले बाबुल सुप्रियो ने किया था विरोध। टीएमसी नेता सुदीप बोस ने कहा, जितेंद्र तिवारी के जाने से कोई फर्क नहीं। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, तारीखों के ऐलान के बाद टीकाकरण के कागजों पर पीएम की तस्वीर, नाम और संदेश को लेकर एतराज। आपातकाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, फैसले को माना बहुत बड़ी गलती। राहुल गांधी ने कहा, उनकी दादी ने भी इस गलती को समझा था। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु ने इंटरव्यू में पूछा था सवाल। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस को जो इस वक्त कर रही है वो बुनियादी तौर पर अलग संस्थानों में भरे जा रहे लोग। राहुल गांधी ने कहा, वो पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र के हिमायती हैं, इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की। राहुल गांधी पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा का विवादित बयान, कहा अगर बचपन में ठीक से पिटे होते तो ऐसी देशद्रोही बातें नहीं कर रहे होते। तेजपुर में प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, रैली के लिए देर पर लगाई दौड़। यूपी में 18 आईएएस अफसरों के तबादले, 6 जिलों के डीएम, 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए। बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में होगा, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, राज्य सरकार 90,000 ईवीएम खरीदेगी। पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार ने 122 करोड़ रुपए खर्च करने की दी मंजूरी, पुरानी आरक्षण व्यवस्था रहेगी लागू। एलजेपी पार्टी में बड़ी टूट, पूर्व प्रदेश महासचिव विश्वनाथ कुशवाहा समेत 200 लोगों ने थामा बीजेपी का दावा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया, ऐसी ही एक बस में सवार होकर विधानसभा आए। कर्नाटक मंत्री रमेश जरकीहोली फंसे सीडी कांड में, एक युवती ने लगाई यौन शोषण का आरोप। आरोपों को लेकर जरकीहोली ने कहा, यह राजनीतिक साजिश, सीडी को बताया फर्जी। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पहले ही किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं, सच जानने की जरूरत। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 12 मार्च से पश्चिम बंगाल में रैलियों की शुरुआत। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अब किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद होगी। किसानों के 100 रुपए दूध बेचने की धमकी का जींद में असर, वीटा मिल प्लांट में 17,000 लीटर दूध की सप्लाई कम। 17 सोसाइटियों मिल्क प्लांट को दूध देना किया बंद, वीटा मिल्क प्लांट हर दिन किसानों से खरीदता है 1.5 लाख लीटर दूध। हरियाणा के हिसार में महापंचायत का ऐलान, बिजली कर्मचारी चेकिंग करने आए तो बनाया जाएगा बंधक, 8 मार्च से जिला स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। यूपी बॉर्डर पर किसानों ने शुरू किया पक्का निर्माण, कूलर और पंखे लगाने की भी तैयारी। यूपी के अमरोहा में किसानों ने डेयरी को दूध देना किया बंद, गाजीपुर बॉर्डर पर भेजने की तैयारी। महंगाई के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यूपी में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, घोड़ा बग्घी पर सिलेंडर रखकर निकले पार्टी के कार्यकर्ता। यूपी के संभल में डीएम संजीव रंजन का फरमान, जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर आने पर मनाही। हाथरस केस में हत्या के आरोपी गौरव शर्मा का पुराना वीडियो आया सामने, राह चलते लोगों से बदतमीजी। हाथरस केस में अब भी फरार है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा, पुलिस का दावा जल्द सलाखों में होगा गुनहगार। हाथरस की बेटी ने पिता को दिया कंधा, इंसाफ की लगाई गुहार।
देवरिया में खेत में मिली लड़की की लाश के मामले में एक हफ्ते बाद पुलिस के हाथ खाली, नाराज आईजी जोन ने दी चेतावनी। 18 फरवरी को परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदा होने की शिकायत, 23 फरवरी को मिली लाश। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की की लाश मिली गड्ढे में, 25 फरवरी से लापता थी नाबालिग। 28 फरवरी को परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत, आरोपी फरार। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई है 4 टीमें, आरोपी का पिता हिरासत में। रायबरेली के उचार थाने में पीड़ित की शिकायत, छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से हमला। पीड़ित की शिकायत पर दर्ज किया गया मामला, पड़ोस के रहने वाले 2 युवक आरोपी। आगरा से लापता नाबालिग लड़की दिल्ली में मिली, पुलिस के मुताबिक कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा बयान, फिर आगे की कार्रवाई। गाजियाबाद में मंदिर में चोरी से पहले चोर ने भगवान को किया प्रणाम, फिर दान पत्र लेकर फरार। यूपी के सुल्तानपुर में घूस नहीं देने पर चालक ने रास्ते में रोकी एम्बुलेंस, मरीज की मौत। लखीमपुर खीरी में घूस लेने वाले एसआई और सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ था वायरल। जौनपुर में जाति विशेष पर टिप्पणी के खिलाफ फिल्म स्टार आमिर खान समेत 4 को नोटिस जारी, 8 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 217 नए मरीज, एक्टिव केस 1500 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 7800 से ज्यादा नए मामले, 79,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना के 849 नए बीमार निकले, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना के 688 नए केस, 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरोना के 773 नए मामले, नागपुर में 1088 पॉजिटिव केस। मुंबई में कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें तेज, सरकार ने 29 प्राइवेट अस्पतालों को दी कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने की मंजूरी। भिवंडी में कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद 44 साल के शख्स की सेहत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। धार में कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद हेल्थ वर्कर को बुखार, रिपोर्ट पॉजिटिव, डॉक्टर कर रहे जांच। करनाल के सैनिक स्कूल कुंजापुरा में कोरोना के 57 मामले, सभी बच्चे 9वीं से 12वीं तक के। सैनिक स्कूल के हॉस्टल को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, लिए गए थे 390 सैंपल। उड़ीसा के कोरापुट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट जब्त। विशाखापट्टनम जा रही थी कार, पकड़े गए 3 आरोपी। पंजाब के मुक्तसर में नशे की गोलियों की भारी तादाद के साथ एक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पटना के कंकड़बाग इलाके में बड़ी वारदात, बंदूक की नोक पर गहने की दुकान में लूटपाट। अजमेर में नामी डकैत धन सिंह गुर्गे सहित गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। बिहार के मोतिहारी में कार से 12 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के सहरसा में 1 घंटे के अंदर 2 लूट की वारदात, गोली मारकर 7 लाख की लूट। पटना सिटी में वार्ड पार्षद के घर में अपराधियों ने लगाई आग, पुलिस कर रही जांच। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी के पूर्व पार्षद की मां से ट्रेन की झपट मारी, घर के बाहर तुलसी में दे रही थी पानी। राजस्थान के बारा में नगर परिषद की तरफ से तोड़े गए निर्माण का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अहमदाबाद में वीडियो शूट कर खुदकुशी करने वाली आयशा के पति को पुलिस ने दबोचा, राजस्थान के पाली से हुई गिरफ्तारी। वीडियो बनाने के बाद आयशा ने पुल से नदी में लगाई थी छलांग, परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाए हैं दहेज उत्पीड़न के आरोप। बुढ़ानम की दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हरिद्वार में बढ़ने लगी कुंभ मेले की रौनक, अखाड़ों का शानदार स्वागत। नगर प्रवेश पर मेलाधिकारी और मेला आईजी ने किया संतों का स्वागत, छावनी में इन पंचों के लिए खुले मैदान में बनाए गए टेंट। दिल्ली के भरसवा में सामने आया सरेआम फायरिंग का वीडियो, आपसी विवाद में पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। झारखंड के देवघर में 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 32 मोबाइल और करीब 60 सिम कार्ड बरामद।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बम बनाने का उपकरण बरामद, आईएसएफ का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। अमृतसर में लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, दो लोग गिरफ्तार, लूट का सोना बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल जाने के बाद लापता। बीपीसीएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61.65% हिस्सेदारी बेचने को दी मंजूरी, 9,875 करोड़ रुपए में ऑल इंडिया के साथ डील। अब दूरी के हिसाब से देना होगा टोल टैक्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर तय की गई दूरी के लिए यात्रियों को करना होगा भुगतान। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सभी मोबाइल केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का दिया आदेश, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। SBI ने होली तक होम लोन का प्रोसेसिंग फीस किया माफ, ब्याज दर में भी 0.10% कटौती। कच्चे माल की कीमतों में उछाल से प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बढ़ी मुश्किलें, मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार। कैलिफोर्निया में दर्दनाक सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत। आर्मेनिया में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राजधानी येरेवान में राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रोटेस्ट मार्च। चिली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 3 महिला मीडियाकर्मियों की हत्या, दफ्तर से लौटते वक्त हमला। दुनिया में 11,49,00,000 के पार पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या, अब तक 25,50,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 2,93,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 5,27,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चेक रिपब्लिक में सख्त लॉकडाउन, 26,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती। पेरू में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात, राजधानी लीमा में ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी कतार। तुर्की में लॉकडाउन में दी गई छूट, कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए हटाई गई पाबंदियां। इंग्लैंड में अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे स्कूल कॉलेज, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया स्कूलों का दौरा, बच्चों को सिखाएंगे पेंटिंग के गुर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ की वर्चुअल बैठक, कोरोना के जंग, प्रवासियों की समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ की मूर्ति का अनावरण, वीडियो कॉल की मदद से कार्यक्रम में शामिल हुई इंग्लैंड की महारानी। लगातार 310 हफ्ते तक नंबर वन रहकर जोकोविच ने की फेडरर के रिकॉर्ड के बराबरी, 8 मार्च को तोड़ सकते हैं कीर्तिमान। इंडोनेशिया के सुमात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट, 3 किलोमीटर तक आसमान में छाया धुएं का गुबार। अंटार्कटिका में ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन के पास टूटा बर्फ का टुकड़ा, पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर रही है ब्रिटिश एजेंसियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।